नमस्कार दोस्तों, फैक्ट 77 टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो मेरे भाई बोया M1 का माइक ले रहे हैं, तो ठीक है, कुछ जो मेरे यूट्यूबर भाई हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, जो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, जो अपने कंप्यूटर में ये माइक जोड़ते हैं ताकि वो साथ साथ में जो बोलकर लोगों को समझा पाए और साथ में वीडियो गाइड दे सके, तो स्क्रीन रिकॉर्डर वालों के लिए ये वीडियो है। जो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं और साथ में जो लेक्चर देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है कि मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपका जो बोया माइक काम नहीं करता है अपने कंप्यूटर में, तो आप इस ट्रिक से जो अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्कुल 100%। और जैसे आप कोई एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो, जो अन्य गेमिंग वीडियो बना रहे हो, जो आप कंप्यूटर में खेलते हो या कंप्यूटर में आप दिखाते हो कि ये आपको करना है, तो उसमें आप जो लेक्चर देते हो वो भी साथ में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए, वीडियो के साथ बने रहें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या, सबसे पहले आपको जो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर वो आपको डाउनलोड करना है, ये वाला, ठीक है। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और दूसरा जो है वो आपको डाउनलोड करना है AnyDesk, ठीक है, जो इसके मदद से आपको मैं बताऊंगा कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, अपने मोबाइल में ही रिकॉर्ड करना, क्योंकि कई भाइयों के जो पुराने PC हैं उनमें जो बोया का माइक वर्क नहीं करता है। बहुत जो आपने सारी ट्रिक आजमा ली और उसके बाद में आपका ये जो माइक है वो काम नहीं करता, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको 100% इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये जो ऐप है, दो ऐप मैंने बताई हैं, वो आप जो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इस ऐप को जो आपका AnyDesk है वो आपको कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके कंप्यूटर में, जैसे मैंने अभी ये इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो AnyDesk है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा इंस्टॉल करने के बाद, और इधर जो इसको मैं अपने कंप्यूटर से, जो अपने मोबाइल से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, AnyDesk मैं ओपन कर लूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन में, इसको ओके करूँगा, और मैंने पहले से ही कनेक्ट कर रखा था, उसका जो नंबर है वो आप कनेक्ट कर लेना, आपको कनेक्ट करना आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है उस पर। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे एक पॉपअप मिलेगा, जो अभी मैं जो वीडियो चल रही है इसमें आपको दिखा नहीं सकता, तो आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। AnyDesk को एक्सेप्ट करने के बाद आप जो, आपको दिखा दूँ, कनेक्टिंग हो रही है कंप्यूटर से, तो दोबारा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये दोस्तों कनेक्ट हो गया, ठीक है, जो आप देख रहे हो आप मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद में मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा, और अब जो आपको बता दूँ कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन में, इसकी स्क्रीन जो है पूरी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला जो मैंने अभी दबाया है, देखो ये दो डॉट से, इसको क्लिक करना है और सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद शो रिमोट कर्सर, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसे आपको क्लिक कर देना है। फॉलो रिमोट कर्सर, इस पे भी क्लिक कर देना है और पीछे आ जाना है। दोस्तों, पीछे आने के बाद आपको जो ये आपका जो माइक है ना, जो आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट करके रखना है, आप इसी से जो वीडियो के साथ साथ जो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, इसको क्लिक करके रखना है और इसको फुल स्क्रीन में, यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर लेना है, और आपको ऑटो रोटेट का ऑप्शन जो अपने मोबाइल में ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको घुमा लेता हूँ अपने मोबाइल को, तो आप देख रहे हो कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपके मोबाइल में आ चुकी है। दोस्तों, मोबाइल में आने के बाद जो आपका जो भी कोई भी मैटर है, जैसे मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये माइक कैसे काम करेंगे, ठीक है, जो बोया का माइक कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आपका माइक PC में काम नहीं करता है, तो आप जो AnyDesk से और जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उससे आप जो अपने एजुकेशनल वीडियो बना पाएंगे। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो इसका है ना स्क्रीन रिकॉर्डर अनलिमिटेड वाला होना चाहिए, यानी आपका, आप समझ रहे हो कौन सा होना चाहिए, तो वो आप देख लेना कि कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए।
और जो ये आपका माइक है ना, ये इसमें मोबाइल में कनेक्ट करके रखी है, और एंड डेस्क से जो आप जो पीसी स्क्रीन जो इसकी शेयर करके मोबाइल पे और स्क्रीन रिकॉर्ड करके और साथ साथ में जो अपना लेक्चर वो देके वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।